क्वारंटीन के दौर में अखिल भारत वर्षीय नाथ सेवा समिति उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र योगी पूर्व कैप्टन इंडियन आर्मी ने कोरोना काल में निस्वार्थ गरीबों को बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री वितरित कर कोरोना योद्धा बनकर उभरे थे। वहीं अब इन्होंने अपने समाज को मुख्य धारा में लाने का बीड़ा उठा लिया है। समाज के उत्थान के लिए जहां नित नई नई योजनाओं को परवान चढ़ाया जा रहा है, वहीं इनके नाम का डंका उपाध्याय नाथ योगी समाज में उत्तराखंड में ही नहीं हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली में बज रहा है। अपने आवास पर एक मीटिंग में बोलते हुए कैप्टन सुभाष चंद्र योगी ने कहा, मैं मरते दम तक समाज की सेवा करूंगा। इस दौरान पूर्व तहसीलदार करण सिंह, मामचंद, राजेंद्र कुमार सहित अन्य जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। हरिद्वार से मीरा कटारिया की रिपोर्ट। जय गुरु गोरखनाथ। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र योगी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। मेरी समाज से विनती है कि बच्चों को, लड़के लड़कियों को शिक्षित, रोजगार और भाईचारा और मजबूत संगठन। और सरकार से मेरी विनती है कि हम 70 सालों से योगी नाथ उपाध्याय समाज किसी भी पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, चाहे भले उसमें कांग्रेस है, बीजेपी है और छोटे दल, लेकिन अभी तक हमारा समाज किसी भी पार्टी ने लाइट में नहीं किया। मेरी सभी राज्यों से, खासकर अपने उत्तराखंड से, सरकार से विनती है कि हमारे समाज को, योगीनाथ समाज को राजनीति में हिस्सेदारी करें। जबकि हमारे उत्तराखंड में 15 लाख के करीब स्ट्रेंथ है हमारी, और हमारे स्ट्रेंथ, हमारे समाज का कोई भी आदमी किसी भी पद पर नियुक्त नहीं है, चाहे एक छोटा सा चेयरमैन, राज्य मंत्री या कोई भी विधायक हमारे समाज से नहीं है। जबकि हमारे समाज की इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी हमारे को बिल्कुल किसी भी योग्यता के अनुसार नहीं दिया गया।